हमें और आपको करना क्या है? आपके साथ कोई लाख बुरा करे, हमेशा याद रखिए, आपके साथ कोई लाख बुरा करे तो उसको सहन कर लो थोड़ी देर के लिए। गुस्सा तो आता है, मन तो करता है इसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करे, लेकिन अपने मन को थोड़ा थाम लीजिए थोड़ी देर के लिए, तसल्ली रख लिए कि कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया पर हमें उसके साथ वैसा नहीं करना। अरे याद रखिए, अगर आपने तसल्ली कर ली तो फिर उसके साथ वैसा व्यवहार भगवान करेगा। भगवान के यहां देर है पर अंधेर अंधेर नहीं है। थोड़ी देर लग सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। भगवान उसकी करनी का फल उसे अवश्य देंगे, भले थोड़ी देर में दे। आदमी कहता है कि मैं वो लाख बुरा है पर उसके साथ बुरा होता नहीं, लेकिन जब उसके साथ बुरा होता है ना महाराज, तो आप देख नहीं पाओगे इतना बुरा होता है। देर में जरूर होता है, क्योंकि भगवान करनी का फल बिना भुगाए मारते नहीं है। हम और आप कहते हैं कि इस ये जो कर्म कर रहे हैं इसका फल अभी नहीं, अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म जो किया जो इस समय मिल रहा है, ये बातें झूठी, ये मानो इसी जन्म में मिलेगा। जो आप गलत कर रहे हो इसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा, और जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक इस तन से प्राण निकलने वाले नहीं है, हमेशा याद रखना। जब तक पूरा भगवान भोग आपको भुगा नहीं लेंगे तब तक आपको मारेंगे नहीं, तब तक आपके प्राण निकलने वाले नहीं है। अब आप लोग तो देखते होंगे कि कोई कोई के जब प्राण निकलते हैं ना, मरने का जब समय आता है तब स्थिति देखिए, एक एक साल किसी किसी को हो जाता है, बिस्तर में पड़े रहते हैं, ना चल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते, ना ही कुछ कर सकते, तो ये क्या अच्छा है? इसी को कहते नरक। नरक कहीं बन करके नहीं आएगा, इसी को नरक कहा जाता है। अब बिस्तर पे लेटे हैं महाराज, किसी योग नहीं है, अब घर वाले भी सेवा करेंगे एक महीने दो महीने छह महीने, ज्यादा होगा तो साल भर के बाद उनका भी मन उबता है ना। सत्यता तो यही है, कोई कितना भी प्रेम करने वाला हो पर महाराज कोई कितनी दिन तक सेवा कर सकता है हमारी? बच्चे की सेवा करनी पड़ जाती है तो मजबूरी है क्योंकि बच्चा है, पर व्यक्ति की सेवा करना बड़ा मुश्किल का काम। तो ये नरक है, इसी को नरक कहते हैं, यही करनी का फल है, इसी को करनी का फल कहते हैं महाराज। अब ये मानिए, मरते समय अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे कर्मों की पहचान मैं आपको बताऊं क्या है। अच्छे कर्म अगर हमने किए होंगे जीवन में तो हमें मरते समय किसी भी चीज की और किसी भी व्यक्ति की जरूरत, ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। जिन्होंने अच्छा कर्म किया होगा उनके साथ चलते फिरते उनकी मृत्यु हो जाती, कब हो जाती किसी को मालूम नहीं पड़ता। आदमी कहते अचानक क्या हो गया, पता ही नहीं चलता। वो ना किसी के पानी के मेहताज रहते, ना किसी की सेवा के मेहताज। तो ये मानिए, उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको नरक नहीं भोगना पड़ा, चलते फिरते चले गए, किसी की कोई दिक्कत नहीं, ना स्वयं को की ना किसी और को दी, क्योंकि घर वालों को ज्यादा दिन सेवा करनी पड़ जाती है ना महाराज, तो घर वाले भी सोचते हैं इससे अच्छा तो ये चले जाए तो ठीक है। अब कोई भी हम या आप हो, सभी के जीवन के लिए है, ज्यादा किसी को सेवा करनी पड़ जाएगी तो महाराज यही मन से होता है इससे बढ़िया तो भगवान उठा ले तो ठीक। और जब आप किसी को बोझ लगने लग जाओ तो ये मानियो हमने अपार कष्ट हमारे जीवन में है, हमने जीवन भर गलत कार्य किए होंगे। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, अगर हमने जीवन में जरा भी
भगवान का संकीर्तन किया होगा तो हमारे मरते समय मुख से राम नाम शब्द निकलेगा। और अगर हमने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया होगा, भगवान से लगाव नहीं रखा होगा, प्रेम नहीं किया होगा, तो लाख प्रयास हम करेंगे पर भगवान का नाम हमसे निकलेगा ही नहीं। अब भगवान तो ऐसी स्थिति कर देते हैं कि मरने से कहो दो दिन पहले ही मुंह बंद, आंखें बंद हो जाती, आंखें नहीं खुलती, मुंह बंद हो जाता, जबानी नहीं चलती, तो उस पर भगवान की कृपा नहीं है। अब हम सब उससे कहते हैं अरे भैया तू जा रहा है थोड़ा राम नाम बोलो, राम नाम बुलाते हैं कि अब जा रहे हो तो राम नाम गाओ, लेकिन कैसे गाओगे जब जीवन भर गाया नहीं तो मरते समय कहां से निकलेगा।